हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 4 की EVS की चैप्टर 12 में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। कैसे कैसे बदले घर, कैसे समय के साथ घर में परिवर्तन आ रहा है, इस चीज को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चेतन दास जब वह 9 साल के थे यानी 60 साल पहले तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो वे डेरा गाजी खाना से ट्रेन से दिल्ली होकर सोमना गांव आए थे, जहां बाबा अम्मा ने मिट्टी और भूसा मिलाकर घर बनाया। देखिए यह कहानी है, चेतन दास नाम है उनका कहानी में। इनका जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होता है तो इनको एक गांव सोमना गांव में जमीन मिलता है, तो वहां पे इनको घर बनाना रहता है। तो ये वहां से आते हैं गाजी खान, डेरा गाजी खाना है पाकिस्तान में है, तो वहां से आते हैं दिल्ली होते हुए सोमना गांव। वहां आने के बाद किस तरह से घर बनता है उसको हम लोग देखेंगे। वहां बाबा और अम्मा ने मिट्टी और भूसा मिलाकर घर बनाया। गोबर मिट्टी से लिपाई हुई, इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते। देखिए गोबर और मिट्टी मिलाकर लिपाई करने से क्या होता है कि मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं, घर में कीड़े नहीं लगते। छत के लिए लकड़ी के फट्टे जोड़कर एक फ्रेम चारों ओर दीवार पर टिकाया। लकड़ी में दीमक न लगे इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अब देखिये लकड़ी में कीड़ा नहीं लगे इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, नीम और कीकर, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में। नीम और कीकर की लकड़ियां बिछा दी गई और यह पिछले एग्जाम में आ भी चुका है कि मिट्टी में कीड़ा कैसे नहीं लगेगा, किस तरह से लिपाई करेंगे तो मिट्टी में कीड़ा नहीं लगेगा। तो गोबर में मिट्टी मिलाकर लिपाई करेंगे तो फिर वहां पे कीड़ा नहीं लगेगा। और लकड़ी में कीड़ा नहीं लगे इसके लिए उस पर नीम और कीकर की लकड़ियां बिछा दी गई थी। अम्मा ने पुरानी बोरिया इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है कि इनकी चेतन दास उस समय की बात है जब ये छोटे से थे। जब ये बड़े होते हैं उनकी नौकरी लगती है, नौकरी के बाद फिर उनकी शादी होती है। फिर शादी के समय अक्सर देखते होइएगा जितने भी लोग होते हैं अपने घर में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं, जो कुछ कमी रहता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने भी किया, देखिए किस तरह से किया। चेतन दास के नौकरी लगने के बाद फिर से घर की मरम्मत हुई। इस बार छत लोहे और सीमेंट से पक्की, रसोई में एक तरफ मिट्टी का बना चूल्हा और दूसरे तरफ बर्तन रखने की जगह। अब साल में एक बार दीवारों की चूने से पुताई की जाती थी। अब देखिए जैसे मिट्टी और गोबर मिलाकर जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी लिपाई करती थी कीड़ा नहीं लगने के लिए, लेकिन इनके द्वारा बनाया गया घर जो था वो कच्ची ईंट का बना हुआ था जिसमें साल में एक बार चूने से उसकी पुताई कर दी जाती थी। इसके बाद वो ठीक रहता था, उसको नीपने पोतने की कोई भी जरूरत नहीं होती थी। इसके बाद है पिछवाड़ी में कच्ची ईंट लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा दिया गया। इसे साफ करने बस्ती के लोग आया करते थे और कच्ची ईंट से ही घर के पीछे का जो भाग होता है उसको पिछवाड़ा बोलते हैं, वहां पे एक टॉयलेट बनवा दिया गया। और उस टॉयलेट की सफाई के लिए बस्ती में रहने वाले जो लोग होते हैं जो टॉयलेट की सफाई करते हैं सो आते थे और सफाई करते थे। उसके बाद क्या होता है, अब फिर में जो है चेतन दास और इनकी पत्नी का नाम सुमन था, तो इनके 3 बच्चे होते हैं जिसमें 2 लड़का होता है 1 लड़की होती है। अब ये लोग बड़ा हो जाता है, इसके बाद देखिए इनके घर में किस तरह से बदलाव आते हैं। चेतन दास के 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बेटे की शादी के लिए पूरे घर को पक्का कराने में लग गए। दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई गई और छत पर लेंटर डलवा दिया गया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्की बनवा दिया गया। टॉयलेट भी का भी ऐसा इंतजाम करवा दिया गया कि मल मूत्र पाइपों से बाहर निकल जाए। अब जब इनके बेटे की शादी की बारी होती है तो कच्ची ईंट का घर जो था उसको पक्की ईंट उसका जगह ले लेता है और फर्श भी बनवा दिया जाता है, छत तक पर लिंटर डलवा दिया जाता है और साथ ही टॉयलेट जो होता है जिसके बारे में जब चेतन दास बनवाए थे तो उसमें हम लोग देखे हैं कि उसको सफाई करने के लिए बस्ती के लोग आया करते थे, लेकिन यहाँ पे जब इनका टॉयलेट बना इनके बेटे का
तो खुद ही इस तरह का व्यवस्था कर दिया गया कि मलमूत्र जो थे खुद ही बाहर निकल जाते थे, किसी और को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके बाद इनका एक और बेटा है, उसके बारे में देखते हैं कि वह कैसा घर बन पाता है, उसके घर में किस तरह का बदलाव आता है। छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वह दिल्ली जाकर बस गया। चेतन दास जब सोना से दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। देखिए, सोना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है। इतने सालों में यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बन गई है। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाए और उसमें बाथरूम में रंगीन टाइलें भी लगवा ली। चेतन दास अब 70 वर्ष के। अब देखिए, चेतन दास कभी अपने बड़े बेटे के साथ सोना में रहते हैं राजू के पास, तो कभी मोंटू के पास दिल्ली जाते हैं। तो सोना से दिल्ली जाने के रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है और इनका छोटा बेटा फिर से नया टॉयलेट बनवाया जिसमें तरह तरह के रंगीन टाइलें भी लगवाई हैं। और अब यही चेतन दास जो कहानी शुरू हुआ है तो 9 साल के ही थे, तो 70 साल के हो गए हैं। देखिए, इतने दिनों में कितना सारा बदलाव आया, कितने तरह के घर बने, कितने तरह की टॉयलेट बने। मतलब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था एनसीईआरटी बुक में, कैसे कैसे बदले घर। और डेरा गाजी खाना शब्द आया था शुरू में ही, जब हम लोग लेसन स्टार्ट किए थे तो आया था डेरा गाजी खाना, तो ये पाकिस्तान में है। और सोना, जिस गांव का नाम बार बार आ रहा है, ये हरियाणा में है। यानी हरियाणा से दिल्ली जाने में ऊपर था ना, कि सोना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव शहर पड़ता है, यानी दिल्ली से सॉरी हरियाणा से दिल्ली जाने के बीच में गुड़गांव शहर पड़ता है। तो यह जो लेसन था इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे के वीडियोज में मैं आगे के लेसन को एक्सप्लेन करूंगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।